हेलो वॉन्डरर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं मेरा इंस्टा 360 अल्टीमेट किट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने ये बॉक्स को खोला नहीं है। और एक चीज आपने नोटिस की रहेगी कि मेरा सेटअप अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने मेरा कंप्यूटर और चेयर दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये बहुत ही टेम्प्ररी सेटअप है। और एक चीज, मैंने कोई लाइटिंग वगैरह कुछ भी सेटअप नहीं किया, क्योंकि हम लोग कल गोवा ट्रैवल करने वाले है और उसी रीजन से बहुत सारा काम पड़ा है। सिंस मैंने यहाँ पे कुछ लाइटिंग नहीं लगाया तो मैंने विंडो ओपन रखा है, और उसी रीजन से मेरे स्पेक्स पे रिफ्लेक्शन है, तो आप उतना इग्नोर कीजिए। मेरा जो मेन वीडियो है वो मोस्टली अनबॉक्सिंग का रहेगा। सो कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इसके अंदर इंस्टा 360 का 360 ऑब्वियसली कैमरा है। जो इसका जो सेकेंड लेंस है वो है लाइका का कैमरा, जो कि 1 इंच सेंसर है। और इसके अंदर दो बैटरीज आते हैं, सेल्फी स्टिक आता है और इसका जो केसिंग है वो आता है। सो ऑलमोस्ट जो भी नेसेसरी चीज है वो ये बॉक्स में आ जाती है। इसके अलावा आपको कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, उस रीजन से अल्टीमेट किट है। और ये मेरा एक्चुअली एकदम ऑफिशियल वाला अनबॉक्सिंग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ड्रॉप डाउन कैमरा लगाया है और इसके पहले मैंने कभी लगाया नहीं था। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये सेटअप। ओके, सो इसको अभी हम लोग अनबॉक्स करते हैं। सो ये कॉन्टेंट है बॉक्स में का। इसके अंदर दो बैटरीज है और ये सेल्फी स्टिक दिया है उन्होंने। काफी कॉम्पैक्ट है, मतलब इसको हम लोग पॉकेट में भी रख सकते हैं और बहुत स्टर्डी भी है। और दूसरी चीज, इसको कोई लॉक नहीं है, इसका मतलब इसको हम लोग सीधा ऐसा खींच सकते हैं। इसके अंदर फ्रिक्शन है तो जिधर भी चाहिए वहां पे वो रुक जाएगा। उसके बाद में ये उन्होंने गोप्रो जैसा अटैचमेंट दिया है, तो हम लोग किधर अलग अलग जगह पे अटैच कर सकते हैं। और एक चीज, इसका और गोप्रो का जो अटैचमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका मतलब अगर आपके पास गोप्रो के अगर कोई भी रिग्स रहेंगे, जैसे शोल्डर माउंट है या फिर चेस्ट माउंट है या फिर हेड माउंट है, ऐसे अलग अलग माउंट रहेंगे, तो आप वो इसको लगा के यूज कर सकते हो। और ये जो है इसके अंदर मैनुअल है, क्लीन करने के लिए एक छोटा सा क्लोथ दिया है और ये स्टिकर जैसा दिया है। ये है उसका केसिंग, ये गोप्रो जैसा ही केसिंग है। और जैसे मैंने आपको बोला, इसको भी गोप्रो जैसा ही उन्होंने स्क्रूज वगैरह दिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपको जो फाइनल दिखाना है वो है ये, जो कि है इंस्टा 360, बट अभी इसको लगाया हुआ है लाइका का लेंस। सो ये गोप्रो जैसा ही लेंस है और ये 14mm वाइड है। बट इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये लेंस में 1 इंच सेंसर है, तो इसका मतलब इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, या फिर लो लाइट भी नहीं बट जनरल लाइट में भी जो इसका डायनेमिक रेंज रहेगा वो गोप्रो से काफी ज्यादा बेटर है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। और इसको हम लोग को ये बैटरी अटैच करना रहेगा, तो ये बैटरी अटैच करना भी काफी सिंपल है। जैसे हम लोग बैटरी इसको अटैच करते हैं तो एक क्लिक आता है, तो बस वो क्लिक साउंड हम लोग को आना चाहिए। स्टर्डी है, ऐसा कुछ हिल नहीं रहा है सिंस ये मॉड्यूलर कैमरा है, क्योंकि ये जो है ये पार्ट को ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा रिकॉर्डिंग और इसके अंदर मेमोरी कार्ड्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हो रही है वो ये वना जिस पे लिखा है उस पे हो रही है। इसको एक रिकॉर्ड का बटन दिया है और एक पावर का बटन दिया है। तो इसको रिमूव करके मैं अभी 360 का लगा के दिखाऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको 360 मोड दिखा देता हूँ। ये जो है ये है 360 वाला कैमरा, 7.2mm का लेंस है और ये f2.0 है, मतलब इन दोनों का एपर्चर 2.0 है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि सिंस ये दोनों भी इतने एक्सट्रीम वाइड एंगल है, तो जो बीच में का पार्ट है वो मर्ज हो जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर फ्लो स्टेट स्टेबिलाइजेशन है। अभी वो सेम ऑब्वियसली ये कैमरे का ही है, तो वो फ्लो स्टेट हम लोग को लाइका में भी मिलता है और सिमिलरली 360 में भी मिलता है। बट जो 360 में फ्लो स्टेट मिलता है वो अनबीटेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना वाइड है तो ऑलरेडी जो जर्क्स है वो काफी कम हो जाते हैं। आपने नोटिस किया रहेगा कि अगर आप SLR पे भी अगर 14mm या फिर 10mm का लेंस लगा के चलोगे तो आपको जर्क्स उतने दिखेगी नहीं, क्योंकि उतना वाइड एंगल लेंस है। इसका भी हम लोग ऊपर का जो प्लास्टिक है वो निकाल देते हैं, इसको निकालने में बहुत मजा आता है। मैंने अभी तक कैमरास लिए हैं वो मैंने सारे अनबॉक्स शॉप में ही किए, बट इस बार मैंने बोला था कि मुझे घर पे जाके ही अनबॉक्स करना है। ये जो प्लास्टिक निकालने का जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो मेरे को शॉपकीपर को नहीं देना था, वो मुझे खुद को लेना था। और घर पे आके फर्स्ट टाइम देखना और उसको अनबॉक्स करने का मजा अलग है। सो अभी ये 360 कैमरा है और इसको हम लोग वापस बैटरी लगा देंगे। इसको दोनों साइड पे कैमरा है और ऑब्वियसली और एक चीज, ये जो उसका ब्रेन है
उसको पीछे स्क्रीन भी है, दोनों साइड के लेंस पे बम्प है, तो उस रीजन से उन्होंने ये कवर दिया है। सो जब भी आपका काम हो जाएगा या फिर आप इसको बॉक्स में रख रहे हो, कवर लगा के रख देना है। सो अभी तो कुछ है नहीं है बॉक्स में, तो हम लोग ये बॉक्स साइड में रख देते हैं। इसको हम लोग ये केसिंग में डाल के देखते हैं। तो इसको एक बेसिक लैच है, वो लैच स्लाइड करके इसको ओपन करना है डाल के। अभी हम लोग इसको लाइका का लेंस लगा के देखते हैं। सो अभी मैंने जो इसको माउंट किया है वो इस तरीके से माउंट किया है कि स्क्रीन मेरे सामने ही फेस कर रहा है, मतलब अगर मैं इसको ऐसा पकड़ू तो मैं स्क्रीन में खुद को भी देख पा रहा हूँ, और अगर मुझे वैसा नहीं चाहिए तो मैं उसको ऐसे भी माउंट कर सकता हूँ। सो अभी स्क्रीन मेरे साइड पे है बट कैमरा सामने के साइड पे है। तो जैसे सिमिलरली GoPro 8 तक हम लोग को पीछे स्क्रीन मिलता था और आगे हम लोगों को शूट करने का ऑप्शन था, सिमिलरली इसमें भी वैसे ही है। सिर्फ GoPro 9 को अभी ऐसा हुआ है कि सामने भी एक छोटा स्क्रीन है और पीछे एक काफी बड़ा स्क्रीन है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी अगर हम लोग को इसको केसिंग में डालना है तो इसको निकालना पड़ता है, ये इसका प्रोटेक्टिव केस है, और फिर से आप ये लगा सकते हो 1 inch मोड के साथ। ऑलमोस्ट लाइक अ GoPro आपका ये सेटअप रेडी हो गया है। सो ये सारी चीजें आपको अल्टीमेट किट में मिलती है। उसके साथ साथ मैंने और दो चीजें उसके साथ बाय की थी, वो थी ये। तो इसका थोड़ा बॉक्स थोड़ा सा खराब हो गया है, बट ये है डुअल चार्जर, तो ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये उसका प्लग है, USB-C का और एक वायर मिला है, तो अभी मेरे पास 2 wire है। और ये जो है ये मेन हब है, तो मैं कैमरा साइड में रख के दोनों भी मेरे बैटरीज चार्ज कर सकता हूँ। थर्ड चीज मैंने बाय की वो है ये बुलेट टाइम, एक टाइप का इफेक्ट मिलता है और वो सिर्फ एक इफेक्ट के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। सो ये स्टिक बेसिकली इसको दोनों साइड पे माउंट है, एक यहाँ पे है और एक ऊपर है, तो ये ट्राइपॉड जैसा मैं इसको खड़ा रख सकता हूँ। और अगर मुझे बुलेट टाइम जैसा इसको यूज करना है, इसको मैं अगर यहाँ पे लगाऊ तो अभी ये ऐसा घूमेगा, तो अभी मैं ज्यादा जोर से नहीं घुमाता क्योंकि बाजू में iMac भी है। ओवरऑल ये कैमरा मेरे हिसाब से ज्यादा अपीलिंग है GoPro 8 और GoPro 9 से। GoPro 8 को अगर आप कंपेयर करोगे इसके साथ तो ये इजीली उसको किल कर देता है, और अगर आप GoPro 9 के साथ इसको कंपेयर करते हो तो GoPro 9 का जो शार्पनेस है वो ये कैमरे से थोड़ा सा बेटर है, वो मैं अग्री करता हूँ। बट अगर आप GoPro 9 लेने जाओगे तो वो रफली 50,000 के आसपास ही है, और अगर आप इंस्टा 360 अल्टीमेट किट लेने जाओगे तो वो रफली आपको 57,000 to 59,000 के रेंज में मिलेगा। GoPro जो है वो 50,000 के अंदर सिर्फ आपको एक लेंस देता है जो वाइड एंगल ही है, बट आपको इंस्टा 360 के साथ 60,000 रुपीस डाल के आपको दो टाइप के लेंस मिलते हैं, एक तो 1 inch मोड वाला और दूसरा जो है वो 360 वाला। GoPro Hero 9 के अंदर हाइपर स्मूथ 3.0 है, तो उसके वजह से आपका जो फुटेज है काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है अगर आप चलते भी रहोगे तो। बट जब मैं 360 के साथ फ्लो स्टेट यूज करूंगा तो वो GoPro से एनी टाइम बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों कैमराज है ये डिजिटली स्मूथ करते हैं दोनों भी फुटेजेस को। अगर आपके कैमरा के अंदर जायरोस्कोप है तो ही वो नॉर्मली स्टेबलाइज होगा, उसके अलावा अगर आप उसको स्टेबल करने की कोशिश करोगे तो वो डिजिटली होगा। तो डिफरेंस इसमें और एक ये चीज आ जाती है कि GoPro Hero 9 5K में शूट करता है, मतलब 5K रेजोल्यूशन में, और अगर मैं इंस्टा 360 1 inch मोड के साथ यूज करता हूँ तो मुझे 5.3K का मुझे रेजोल्यूशन मिलता है। तो अगर मैं डिजिटली भी उसको स्मूथ करूँ तो डिजिटल स्मूथनेस में थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है पिक्चर, तो मुझे जो क्वालिटी है वो एनी टाइम GoPro से बेटर ही मिलेगी। और उसके अलावा अगर मैं 360 कैमरा लगाऊं और उसके ऊपर अगर मैं फ्लो स्टेट अप्लाई कर दूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्मूथ फुटेज मिलता है। तो अगर आप ऐसे कोई स्पोर्ट्स में हो जिसके अंदर आपको जो कैमरा है उसका आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते तो आप GoPro Hero 9 बाय करो। बट मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैवल के लिए यूज कर रहे हो या फिर हॉबी के लिए यूज कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा इंस्टा 360 बाय करो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आप फुटेजेस शूट कर सकते हो। तो आप मेक श्योर करो कि गोवा का जितना भी सीरीज अभी आएगा वो आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने मिलेंगे। और मेक श्योर कीजिए कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो क्योंकि गोवा का सीरीज बहुत धमाल होने वाला है। बाय गाइज़।